एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक से होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक ठाक से हूँ। हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट ट्रिप हॉलीडेज़ की, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं। मैं, मेरा छोटा भाई, भांजा, भांजी सब लोग जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भाई भी हेलो बोल रहा है, भांजी भी बहुत खुश है, सब लोग बहुत खुश है ट्रिप पे जाने के लिए। जब भी वो लोग मेरे साथ में आते हैं मम्मी के घर, हम लोग कहीं ना कहीं ट्रिप निकलते ही हैं। तो बेटा भी फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठ रहा है तो बहुत ही खुश है। हम लोग निकल गए थे सुबह 5 बजे, तो देखिए बेटा कितना खुश है करके। तो अब रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद मिलते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन, टिकट भी हम लोग ने ले लिया है। अभी हम लोग चढ़ रहे हैं स्टेप्स के ऊपर, तो सब लोग बहुत खुश है क्योंकि ये सब लोग फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठ रहे हैं, तो बहुत एक्साइटमेंट में थे। तो देखिए मेरी बहन उस पर खड़ने के लिए भी डर रही है। तो ये ट्रेन देख के ना सब लोग बहुत ही खुश थे। तो देखिए यहाँ पर कितने सारे ट्रेन्स थे, ये लोग बोल रहे थे कि ये ट्रेन देख के, हम लोग तो फिल्म में देखे थे, आंटी अब फर्स्ट टाइम हम लोग पास से देख रहे हैं करके। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि दशहरा हॉलीडेज है ना, तो बहुत ज़्यादा पब्लिक भी थी वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कितने सारे ट्रेन्स हैं माशाल्लाह से। तो हम लोग स्टेयर पे फर्स्ट फ्लोर जाते ही नीचे चले गए थे, तो देखिए यहाँ पर ट्रेन को पास से देख रहे हैं। हम लोग नीचे खड़ के वेट कर रहे थे ट्रेन को, तो सोचे कि छोटे छोटे थोड़े से क्लिप्स ले लेंगे यादगार के लिए और आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। ये देखिए मेरी भांजी ट्रेन को देख रही है और हंस रही है। तो बेटा भी देखिए कितना खुश है ट्रेन देखने के लिए करके। जब भी ये मेरा छोटा भाई रहता है ना, तो वो छोटे भाई को छोड़ के नहीं आता है। तो यहाँ पर ट्रेन आ चुकी है, तो देखिए बेटा माशाल्लाह से बाय बाय कर रहा है और इन्जॉय कर रहा है ट्रेन का सफ़र। तो ये देख के भी बहुत खुश था, देखिए आप लोग देख सकते हो, क्योंकि बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट रहता है ना कहीं घूमने के लिए जाएंगे। तो वैसे भी ये फर्स्ट टाइम भी देख रहा था, तो ट्रेन को वो बहुत खुश था। वो तो प्लेन में बैठ चुका है, 1 से 5-6 बार वो प्लेन देख चुका है, बट ट्रेन में वो फर्स्ट टाइम देख रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो देखिए यहाँ पर पूरी ट्रेन को देख रहा है और बोल रहा है मामा इतनी बड़ी ट्रेन है क्या। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ट्रेन में बैठ चुके थे। देखिए मेरी बहन की फैमिली वहाँ पर बैठी है, मैं और बेटा यहाँ पर विंडो सीट में बैठे थे क्योंकि बेटे को इन्जॉय करना था बाहर का व्यू और उसको देखना था कि कैसी रहेगी ट्रेन और कैसा जाएगा ट्रेन सब कर करके। तो यहाँ पर मधुरवड़ा ले लिए थे हम लोग क्योंकि मुझे मधुरवड़ा बहुत ही पसंद है। हम लोगों को बहुत सॉफ्ट मधुरवड़ा मिला था हमको ट्रेन में। तो माशाल्लाह देखिए यहाँ का मौसम कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरी ग्रीनरी। तो मैं ट्रेन से बहुत सारा सफ़र का वीडियो निकाली थी कि मौसम कैसा था और ग्रीनरी कैसी थी करके। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना और पूरा सफ़र इन्जॉय करना। तो ये ट्रेन गई थी हमारे एरिया से ही, जैसे कि गोरी पार्ले से। तो यहाँ पर बेटा आता था ट्रेन देखने के लिए, जब भी हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो बेटा पहचान लिया था और मामा को बोल रहा था मामा मैं इसी जगह से आता हूँ ना ट्रेन देखने के लिए। तो मामा बोले हाँ बेटा हम लोग यहीं आके ट्रेन देखेंगे करके। देखिए वो स्पॉट भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। देखिए ये आएगा गोरी पार्ले में, यहाँ पर बेटा आके खड़ता है जब भी मैं मेरी दादी को मेरी बहन को मिलने जाती हूँ, तो यहाँ से वो ट्रेन देखता है। तो आज वो ट्रेन में बैठ के बोल रहा है मामा हम लोग इधर ही आते हैं ना ट्रेन देखने के लिए करके। तो उसको सब जगह की मेमोरी बहुत अच्छी है मेरे बेटे की माशाल्लाह से, तो नज़र ना लगे। तो बेटे को हर चीज़ की, हर एक चीज़ की पहचान रहती है, कहीं भी कुछ उसको दिखा दो तो वो सेकेंड टाइम बोलेगा मम्मा हम लोग यहाँ से आए थे ना करके। देखिए ये हमारा पुराना घर है जो कि मेरी शादी के पहले से हम लोग यहीं पर रहते थे, तो शादी के बाद हम लोग वो वाली साइड हम लोग सेल कर दिए थे। तो जब भी पुरानी चीज़ देखते हैं वो याद आती तो है ना। तो यहाँ से ही हम लोग गुज़र रहे थे, तो पूरा ट्रेन का सफ़र एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो इंशाल्लाह और एक एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं कब जाएंगे करके, मैं आप लोगों को जाने के दिन मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट प्लान तो करके रखे हैं, बट अभी तो नहीं जाएंगे, 1 मंथ के बाद जाएंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट टाइम हॉलीडेज़ में आएंगे बहन क्रिसमस हॉलीडेज़ में, तो तब जाएंगे 2-3 दिन का सफ़र। तो आप लोग वीडियो पूरा एंजॉय करना, सफ़र यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा था, हम लोगों ने तो बहुत ही एंजॉय किए थे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। हम कहाँ पर जा रहे हैं ट्रिप आप लोग देख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये है नाला, जैसे कि गंदा पानी जाता है,
तो ये आएगा आपको बाबूजी सॉरी विजयनगर के उधर पास में आएगा, तो यहाँ से जाएगा अंडर पास भी। तो देखिए यहाँ पर यही अंडर पास से हम लोग गुजरते हैं, तो ये वाला पूरा क्लिप जाएगा आपको उधर ही गुरधड़ी विजयनगर के साइड आएगा ये वाला। फिर आधा मैं बीच का रास्ते का व्यू पकड़ी हूँ, जैसे कि ग्रीनरी। तो देखिए यहाँ पर लेक वगैरह सब कुछ आता है, यहाँ पर पानी वगैरह सब कुछ, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो थोड़े थोड़े क्लिप्स मैंने शूट कर ली थी कि आप लोगों को बताने के लिए, रास्ते में इतने सारे जगह हम लोगों को मिले थे ग्रीनरी वगैरह सब कुछ करके। तो बेटे ने तो बहुत इंजॉय करा था, तो मैं भी बहुत इंजॉय कर रही थी। जब भी मेरा बेटा खुश होता है ना, तो मैं तो बहुत ही खुश हो जाती हूँ मेरे बेटे को खुश देख के। तो मैं जो मेरे बेटे की खुशी चाहती हूँ ना, मेरा एक ही बेटा है, तो मैं बहुत उसको खुश रखना चाहती हूँ, अल्लाह की फजल से मैं उसको खुश ही रखी हूँ। तो देखिए यहाँ पर ट्रेन जो अपोजिट साइड में जा रही थी, तो देखिए किस तरह से वो ट्रेन जा रही है। मैं वो सब बेटे की मेमोरी के लिए शूट की थी थोड़े थोड़े क्लिप्स। बहुत बड़ी ट्रेन थी यहाँ पर, तो बेटा बोल रहा था मम्मा कितनी बड़ी ट्रेन है ना मम्मा करके एंजॉय कर रहा था। तो वीडियो में आप लोग एंड तक देख लेना, तो मैं यहाँ से लगा दूँगी म्यूज़िक। भाई यहाँ पर मेरे भांजा भांजी के साथ डोर के पास जाके थोड़े बहुत क्लिप्स ले लिए थे, मैंने बेटे को नहीं भेजी थी वहाँ पर जाना बहुत डेंजर है करके। तो फिर भी भाई सुनता नहीं है, कभी भी जाता है तो वहाँ का व्यू वो पकड़ लेता है तो उसको अच्छा लगता है, तो बहुत डेंजरस भी रहता है। तो मैंने मना कर रही थी, फिर भी भांजा और भाई ने वहाँ पर बैठ के वीडियो ले रहे। तो देखिए वहाँ पर कितनी अच्छी हवा मार रही है, बहुत डेंजर रहता है। तो देखिए फिर भी वो लोग सुने नहीं, तो हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं मैसूर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद यहाँ पर एक वीडियो क्लिप ले लिए थे कि हम लोग फाइनली मैसूर पहुँच गए करके। आगे आगे हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे वीडियो में बने रहना और पूरे वीडियो को वॉच करना। तो हम लोग उतरने के बाद डायरेक्ट आ चुके थे मैसूर पैलेस। तो मैसूर पैलेस में तो पूरा फ्लावर से सजाए हुए थे दशहरा के लिए, तो बहुत अच्छे हम लोगों ने यहाँ पर फ़ोटोज़ भी निकाले थे और बहुत अच्छा व्यू भी था। मैसूर पैलेस बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैं पूरा पैलेस के अंदर का भी व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहना अगर पैलेस का व्यू आपको अंदर का भी देखना होगा तो। तो यहाँ पर हम लोग ने फ़ोटो सेक्शन भी लिए थे, देखिए यहाँ पर फ्लावर्स में बहुत खूबसूरत से पीकॉक्स बनाए हुए थे, तो इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा था, तो ब्लू कलर और वाइट कलर में बनाए हुए थे। तो देखिए बेटा यहाँ पर चल के जा रहा है, स्लीपर्स के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, तो इसीलिए हम लोगों ने तो स्लीपर्स बस में ही छोड़ दिए थे क्योंकि यहाँ पर हम लोग आसानी से अंदर जा सकें। तो बस वाले भैया ने बोल दिया था कि हमको स्लीपर्स अंदर ही छोड़ के चले जाओ वरना आपको क्यू में वेट करना पड़ेगा।
तो वहाँ से यहाँ पर पर्स चेकिंग करा लिए हम लोगों ने, तो मेरा पर्स यहाँ से आ रहा था, तो पर्स उठाते हुए हम लोग चले गए अंदर। तो देखिए यहाँ पर रश भी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, तो फिर भी हम लोग फाइनली अंदर तक पहुँच गए थे। तो जाके आने तक बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। इसका पार्ट टू भी मैं डालूँगी नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट टू भी वॉच करना। देखिए अंदर का व्यू सब मैं इस तरह का, जो कुछ भी था ये शोकेस मूर्ति वगैरह जो कुछ भी था यहाँ पर, मैं आप लोगों के साथ सारा वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं हर एक एक चीज़ आपको यहाँ की मैंने शूट की हूँ आप लोगों के साथ दिखाने के लिए, और इसके नाम हिस्ट्री सब कुछ मैंने इस वीडियो में कैप्चर किया हुआ है। आपको अगर मैसूर पैलेस पूरा देखना होगा तो आप लोग मेरे वीडियो में एंड तक बने रहना और पूरा वीडियो को इंजॉय करना। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा पुराने ज़माने का है, यहाँ का पूरा वॉल स्टिकर्स मतलब वॉलपेपर जो भी पेंटिंग वगैरह मूर्तिस सब कुछ मैंने इसमें शेयर किया हुआ है। देखिए यहाँ पर एलिफेंट का सूंड भी लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये तो पूरा ओरिजिनल दिख रहा था अभी भी, तो यहाँ पर मैंने ये भी लिया था। देखिए यहाँ पर हॉर्स है और सब जगह यहाँ पर हाथी का ही ज़्यादा है स्टैचू वगैरह सब कुछ, आप लोग वीडियो में पूरा वॉच करना।
करने के बाद हम लोग निकल चुके थे यहाँ पर। हम लोग ने ले लिए थे फ्रूट्स भी थोड़े बहुत खाने के लिए। तो हम लोग मैसूर से निकलते ही पहले से हम लोग चले गए थे मैसूर चर्च के पास। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के सीनरीज भी सेल हो रहे थे, बहुत सारे बहुत खूबसूरत से सीनरीज थे यहाँ पर। हम लोगों ने फ्रूट्स इंजॉय किया और फिर से हम लोग चर्च देखते हुए बैठ गए थे बस में। तो फिर नेक्स्ट कहाँ जाएंगे मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगी। तो अगले पार्ट के लिए वेट करना और पूरे वीडियो को वॉच करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।